हेलो एवरीवन, तो आज हमारा सेकंड सेशन है प्लांट पैथोलॉजी का, जहाँ पे हम अप्लाइड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लास्ट टाइम हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए थे. मैंने आपको अप्लाइड का सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से पढ़ना है. क्रॉप के ऊपर भी आ गए थे, थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिए थे कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है. अब हम उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, राइस में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ डिसीज ऑफ राइस में, कि कैसे आपके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देखो, ब्लास्ट में मैंने आपको कल ही बताया था, जो आपका सेशन था पिछला, उसमें बताया था कि एक तो हमें पता होना चाहिए कॉमन नेम क्या है, एक तो हमें साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, डिजीज़ के कॉमन नेम क्या है पता होने चाहिए, और साथ में इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, और उसके अलावा मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, है ना. ब्रॉडली यही डिस्कस किया था. अब देखो, सबसे पहले अगर मैं ब्लास्ट की बात करती हूँ बच्चों, तो ब्लास्ट के केस में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लास्ट को बोलते हैं हम रिच मैंस डिसीज, सबसे पहली चीज़. ठीक है, दूसरा, राइस ब्लास्ट के केस में आपके कैसे लीजन्स बनते हैं, इस तरह से डायमंड या फिर बोट या फिर स्पिंडल शेप के लेजन्स बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा ब्लास्ट का मतलब होता है जब भी कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन आता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्ट बोल देते हैं. बहुत ही ज्यादा सीवियर जब भी आपका इन्फेक्शन आएगा, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लास्ट बोल देते हैं. तो अगर वो नेक पोर्शन पे आता है तो नेक ब्लास्ट बोलेंगे. ठीक है, इसके जो आपके लेजन्स होते हैं लीव्स पे डायमंड शेप के होते हैं, पैनिकल्स कई बार पूरी तरह से आपके भर नहीं पाते, है ना, सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाती, उस केस में बोलते हैं सीड ब्लैंकिंग. अगर नेक रीजन पे आपके सिम्टम्स आए तो नेक ब्लास्ट, कॉलर रीजन पे आए तो कॉलर ब्लास्ट उसको बोल देंगे. ठीक है, कई बार सीड्स के ऊपर ही हमें ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है. मैनेजमेंट की बात करें तो टॉलरेंट वेराइटीज के नाम दिए गए हैं सामने, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं. सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि सीड ट्रीटमेंट है, वेट सीड ट्रीटमेंट भी होता है इसमें, ड्राई सीड ट्रीटमेंट भी होता है, और सीडलिंग्स को डिप भी कर सकते हैं. तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम थेरम यूज कर सकते हैं, या कैप्टान यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिन यूज कर सकते हैं, या कार्बेंडाजिम यूज कर सकते हैं. और जब सीडलिंग को ट्रीटमेंट देना है तो हम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के साथ ट्रीटमेंट दे सकते हैं. एक और एडिशनल क्वेश्चन कि ब्लास्ट की सिवियरिटी को कौन डिक्रीज कर सकता है, तो अगर आप कैल्शियम सिलिकेट को यूज करेंगे, सिलिका को यूज करेंगे कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में, तो ब्लास्ट की सिवियरिटी को रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए राइस ब्लास्ट में. दूसरी बात करते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की. तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में हमारे पास क्या है, तीन मेजर सिम्टम है. एक तो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, ज़ैंथोमोनास ओराइज़िस का बैक्टीरिया है. तीन मेन सिम्टम क्या है, लीफ ब्लाइट, पेल येलो एंड क्रेसिक सिम्टम. लीफ ब्लाइट, पेल येलो सिम्टम सामने है एंड क्रेसिक सिम्टम. सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रेसिक सिम्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है. ये जो सिम्टम है बेसिकली विल्ट के सिम्टम को हम क्रेसिक सिम्टम बोल देते हैं. ठीक है, और ये जो आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसके केस में ये जो क्रेसिक सिम्टम है ये कौन से स्टेज पे आता है, नर्सरी स्टेज पे आता है. कई बार क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज में आपको इस तरह से लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं को हम बोल देते हैं बैक्टीरियल ऊज, डबल ओ जेड ई, बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या बोल देते हैं, ऊज बोल देते हैं. तो इस तरह से देखने को मिलता है. अब बात करती हूं मैनेजमेंट की. तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं कैसे, ब्लीचिंग पाउडर के साथ या जिंक सल्फेट के साथ. ब्लास्ट में मैंने बोला कैल्शियम सिलिकेट से उसके हम सिवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, या उसके हम जो डिजीज है उसको कम कर सकते हैं. यहां पे हम जिंक सल्फेट यूज करेंगे और ब्लीचिंग पाउडर यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम बैक्टीरियल ब्लाइट के चांसेस को कम कर सके. दूसरा, सी ट्रीटमेंट. अब बैक्टीरियल डिजीज है तो सी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या तो एग्रीमाइसिन से कर सकते हैं, ठीक है, या तो यहां पे हम स्टेप्टोसाइक्लिन यूज कर सकते हैं, या फिर इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं. तो बैक्टीरिया के केस में मोस्टली क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है और कॉपर के स्प्रेस किए जाते हैं, राइट.
टॉलरेंट वैरायटीज की बात करें तो TKM6 है, पॉनमनी है। अगर हम स्प्रेइंग की बात करें तो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है या टेट्रासाइक्लिन है, इसको हम कर सकते हैं यूज। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को साथ में यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि एंटीबायोटिक्स और कॉपर का कॉम्बिनेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि क्रेसिक स्टेज पे हम क्या यूज करते हैं, क्रेसिक स्टेज पे हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। कैसे? 5 kg पर हेक्टेयर डाल देते हैं इरिगेशन वाटर के साथ। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं राइस टुंग्रो की। तो राइस टुंग्रो जो डिजीज होता है उसमें मेन सिम्टम्स क्या है, एक तो येलोइंग और दूसरा स्टंटिंग, कि छोटा रह जाता है प्लांट, है ना। तो राइस टुंग्रो कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दो के कॉम्बिनेशन से होता है, RTSV, RTBV। RTSV इज राइस टुंग्रो स्फेरिकल वायरस, RTBV इज राइस टुंग्रो बेसिलिफॉर्म वायरस। तो ये जो आपका राइस टुंग्रो है ये दो के कॉम्बिनेशन से होता है, और इसका जो बेसिकली वेक्टर है, डिस्टेंट वेक्टर है, दैट इज GLH, ग्रीन लीव हॉपर। नाम क्या है? नेफोटेटिक्स वायरसेंस। ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटेटिक्स वायरसेंस। टुंग्रो को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल डिटेक्शन टेक्निक है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि लीफ सैंपल्स को हम सुबह कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसका जो टॉप पोर्शन है उसको हम डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में। डिप करने के लिए दो मेथड्स है हमारे पास। या तो हम क्या करेंगे, 2 gram ऑफ आयोडीन लेंगे और 6 gram ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। कितना? 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। कितने मिनट के लिए रखेंगे? 15 मिनट के लिए। या तो दूसरा मेथड क्या है, 10 ml लेंगे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन और 140 ml लेंगे पानी 1 घंटे के लिए और फिर वॉश कर देंगे। अगर लीव्स में ब्लू कलर आ जाता है, डार्क ब्लू कलर की स्ट्रीक्स, दैट मींस यहां पे टंगरों का इंफेक्शन। अगर नहीं आई तो कोई और वायरस हो सकता है। तो ये स्पेशल डिटेक्शन टेक्निक जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? टंगरों के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, ब्राउन स्पॉट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी वजह से बंगाल फैमिन आया था, है ना। इसीलिए ये जो हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजे है, यहीं से नाम है, हेल्मिंथोस्पोरियोसिस या हेल्मिंथोस्पोरियम डिसीज ऑफ राइस। कॉमन नेम पता चल गया। कब अटैक करता है ये? नर्सरी टू मिल्की स्टेज पे अटैक करता है। इसके केस में क्या होता है, छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स बन जाते हैं जो आपके सिसमे सीड्स को रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्रेन्स के अंदर चला जाएगा, वहां पे भी स्पॉटिंग कॉज करता है। उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म है, दैट इज पैकी राइस। जब ये ग्रेन्स को पेनिट्रेट करके स्पॉटिंग करता है उस टर्म को बोलते हैं पैकी राइस, ठीक है। ब्राउन स्पॉट के बारे में क्लियर, हेल्मिंथोस्पोरियम डिजीज बोलेंगे, हेल्मिंथोस्पोरियोसिस बोलेंगे। नर्सरी टू मिल्की स्टेज पे ये आता है, सिसमे सीड्स को रिजेंबल करता है, और एक और सिम्टम है इसमें, दैट इज पैकी राइस सिम्टम। फोटोज देख सकते हैं सिम्टम के लिए, ठीक है। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो बेसिकली सीड बॉर्न डिजीज है, तो यहां पे हम रेजिस्टेंट वैराइटीज यूज करेंगे, जैसे कि कावरी, भवानी, TPS4 एंड धान, ओके। अब आते हैं वीट की डिजीज पे। वीट में बहुत डिजीज है ना। तो देखो, 3 टाइप के तो रस्ट ही आते हैं। 3 टाइप के रस्ट में कौन कौन सा है? ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट, येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट, ऑरेंज रस्ट या लीफ रस्ट, है ना। तो ये जो आपका ब्लैक रस्ट है इसको हम स्टेम रस्ट बोलेंगे, येलो वाले को हम स्ट्राइप रस्ट बोलेंगे, ऑरेंज वाले को हम ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट बोलेंगे। तीनों के जीनस में क्या आएगा? पक्सीनिया, पक्सीनिया, पक्सीनिया। ब्लैक वाले में ग्रामिनिस्ट्रिटिस आए, येलो वाले में स्ट्राइफॉर्मिस और स्ट्राइप से याद रखना है स्ट्राइफॉर्मिस, और ऑरेंज वाले में ओ आ रहा है तो रिकॉन्डिटा में भी ओ आ रहा है, ऐसे याद रखना रिकॉन्डिटा, है ना। तो ये 3 आपके रस्ट आते हैं वीट में पक्सीनिया से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज लूज स्मट।
लूज मट का है अस्टिलागो ट्रिटिसाई, करनाल बंट का टिलेशिया इंडिका, नियोवासिया इंडिका नया नाम हो गया अब, और फ्लैक्स मट का यूरोसिस्टिस एग्रोपाइडी। जितने भी नाम आप सामने देख रहे हैं ये सारे फंगल डिजीज हैं, ठीक है, फंगस से होने वाले हैं, ये सारे फंगस से होने वाली डिजीज हैं, ओके, ठीक है। अब ये जो आपके डिजीज हैं, जैसे कि येलो रस्ट है, इसमें क्या होता है, येलो कलर के ऐसे रो की फॉर्म में पश्चूल्स बनते हैं, स्ट्राइप्स बनती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, येलो रस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लूज मट की इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज की बात करूं तो लूज मट क्या है आपकी, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, ठीक है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लूज मट है इसके केस में सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, और सीड ट्रीटमेंट आपका किसके साथ में किया जाता है, विटोवैक्स के साथ, ठीक है। करनाल बंट की बात करूं, करनाल बंट का नाम क्या है, पार्शियल बंट, इसी को क्या बोल देते हैं, कैंसर ऑफ वीट, ठीक है। अभी आगे हम बात भी करेंगे इसमें स्मेल किस वजह से होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, और पार्शियल बंट बोलेंगे, कैंसर ऑफ वीट बोलेंगे, और इसका जो नाम है दैट इज नियोवासिया इंडिका, नया नाम है अब। फ्लैक्स मट का नाम है यूरोसिस्टिस एग्रोपाइडी, पैथोजेंस के नाम बता रही हूं। नेक्स्ट इज हिल बंट या स्टिंकिंग स्मट, टिलेशिया केरिस से होता है, पाउडरी मिल्ड्यू ब्लूमेरिया ग्रामिनिस, कई बार यहां पे एरिसिफे भी दिया होगा, ठीक है, ये सारे पाउडरी मिल्ड्यू जनर है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज टुंडू या फिर येलो ईयर रॉट, या फिर इसी डिजीज को बोलते हैं येलो स्लाइम डिजीज, ये आपकी बैक्टीरिया और निमिटोड के कॉम्बिनेशन से होती है। बैक्टीरिया का नाम है कॉरिनी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई, ठीक है, और निमिटोड का नाम है एंग्विना ट्रिटिसाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलिया डिजीज आपकी हिट्रोडेरा एविनिस से होती है, जो एक निमिटोड है, और ईयर कॉकल डिजीज, सुना होगा आपने ईयर कॉकल डिजीज, ये आपकी अकेले निमिटोड दैट इज एंग्विना ट्रिटिसाई से होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना इन तीन में कि कौन सा निमिटोड है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, और कौन सा अकेला है, ठीक है, क्लियर होगी ये चीजें हमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक स्टेम रस्ट की बात। अब देखो ब्लैक स्टेम रस्ट जो है, एक तो ये हिट्रोशियस रस्ट है, दो इसको होस्ट होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी होस्ट एंड ऑल्टरनेट होस्ट। ऑल्टरनेट होस्ट कौन है, बार्बरी, प्राइमरी होस्ट क्या है इसका, वीट। कितने टाइप के स्पोर्ट्स बनाता है, पांच स्पोर्ट्स बनाता है, कुछ वीट पे बनाएगा, कुछ बार्बरी पे बनाएगा। शुरू में कौन से बनते हैं, यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, जो बार बार सीजन में इंफेक्शन कॉज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग स्पोर्स। एंड ऑफ द सीजन में क्या बनते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, टीलियोस्पोर्स बनते हैं। टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ये तीनों किस पे बने, वीट पे। उसके बाद है बार्बरी, बार्बरी पे बनते हैं एक तो आपके पिकनियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स। तो टोटल काउंट करोगे कितने स्पोर्स हो गए, पांच स्पोर्स। तो ऐसा रस्ट जो फाइव टाइप के स्पोर्स बनाता है, उस टाइप के रस्ट के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट, मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। क्लियर हो गया इसके बारे में, यहीं पे हिट्रोशियस रस्ट है, ऑल्टरनेट होस्ट क्या है, प्राइमरी होस्ट क्या है। अब देखो इंडिया में तो बार्बरी होता ही नहीं है, तो इंडिया में कैसे रस्ट आएगा,
तो ये जो मिस्ट्री है कि इंडिया में कैसे रस्ट आता है, इसको सॉल्व किया था केसी मेहता ने, जिन्होंने बताया था एनुअल रीअकरेंस ऑफ रस्ट, कि कैसे बार बार इंडिया में रस्ट आता है। तो हिल से कैसे आएगा, प्लेन्स में आएगा, है ना। हिल्स में पहले सोइंग हो जाती है, प्लेन्स में बाद में होती है। जब तक प्लेन्स में सोइंग होगी तब तक तब तक क्या होगा, ये जो रस्ट है ये प्लेन्स तक पहुंच जाएगा हिल्स से, क्योंकि हिल्स में जो यूरिडोस्पोर्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे मरते नहीं, जबकि प्लेन्स में हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं यूरिडोस्पोर्स, है ना, क्योंकि जो हिल्स का हाई टेम्परेचर है वो प्लेन्स के कंपैरिजन में कम होगा। तो पहले यूरिडोस्पोर्स ने इन्फेक्शन कर दिया, जैसे यहाँ पे क्रॉप लगाई तब तक ये क्रॉप बड़ी होगी, और इसने क्या किया, विंड की हेल्प से सारे यूरिडोस्पोर्स को नीचे भेज दिया और दोबारा से रस्ट हो गया। ये किसने बताया था, केसी मेहता ने। अब बात करते हैं एक और हमारे पास में है, दैट इज पक्सिनिया पाथ। किसने दिया था, पक्सिनिया पाथ का मतलब है कि रस्ट कैसे ट्रेवल करता है, ये दिया था एस नागाराजन ने, है ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास में सदर्न प्लेन्स हैं तो सदर्न हिल्स जो नीलगिरी हिल्स हैं वहां से इन्फेक्शन आएगा, अगर आपके पास में नॉर्दर्न प्लेन्स है तो नेपाल से इन्फेक्शन आएगा। ये किसने बताया था, एस नागराजन ने। अब जो आपका रस्ट है इसके केस में यहाँ पे हम मैंगो सेप यूज कर सकते हैं, सल्फर यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज के नाम देख लेंगे, सोनालिका है, चोटिल है, लेरमा रोजो है, सफेद लेरमा है, ठीक है। ये आपका येलो रस्ट है जहां पे स्ट्राइप्स की फॉर्म में येलो कलर के पश्चूल्स अरेंज्ड होते हैं। देन लूसमटोबीट है जो आपका अस्टिलागो रिटिसाइज से होता है ना। अब इसको मैंने क्या बताया, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। अब ये स्मट है ना, तो स्मट के जो आपके सिम्टम्स होते हैं मेनली फ्लोरल पार्ट से पे अपीयर करते हैं, इंक्लूडिंग ओवरी, बस ऑन्स पे और रेक्टिस के ऊपर इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स पे से सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं और ब्लैक होते हैं, ठीक है, पहले एमर्ज कर जाते हैं और डार्कर कलर में होते हैं, ठीक है। और लूज मटोबीट में एक और चीज कि इन्फेक्शन, अगर आप ये साइकिल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लावर के थ्रू इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तभी फिर वो सीड में जाएगा, तभी ये क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न है। दूसरी चीज, लूस मटोवीट कैसी डिजीज है, मोनो साइक्लिक डिजीज है, राइट। नेक्स्ट डिजीज है वीट में कनाल बंट ऑफ वीट। कनाल बंट को क्या बोलते हैं, पार्शियल बंट बोल देते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया कि कैंसर ऑफ वीट भी इसी को बोलते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है, फिशी स्मेल आती है फील्ड से, है ना, गंदी स्मेल आएगी बेसिकली, वो किसके वजह से होती है, ट्राईमिथाइल एमीन की वजह से होती है। तो कर्नाल बंट ऑफ वीट में जो फिशी स्मेल होती है वो आपकी ट्राईमिथाइल एमीन की वजह से होगी। इसमें एक सिम्टम आता है, दैट इज कैनो सिम्टम। कैनो सिम्टम क्या होता है, फोटो से समझाती हूँ कि कैनो सिम्टम में बेसिकली क्या है, ड्रॉ करके इस तरह से, ये मेरे पास में ग्रेन है, अब पार्शली क्या हो रहा है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो पार्शियल बंट बोल दिया। अब जब ये आपका सिम्टम जैसे ही बनेगा, ये क्या करता है, इस तरह से इसको पूरा हॉलो कर देता है, कर्नल को खाली कर देगा, खोखला कर देगा, और उसकी जगह क्या आ जाएंगे, टीलियोस्पोर्स, ब्लैक कलर के स्पोर्स आ जाएंगे, है ना। ऐसे सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, कैनो सिम्टम, जहां पे क्या होता है कि बोट शाइप, जैसे बोट होती है ना, जो नाव होती है ना, जो पॉइंटेड नहीं होगी, उसके जो एंड्स होंगे प्रॉपर नैरो बोट होगी, पॉइंटेड एंड्स होंगे इस तरह से, ठीक है, ये वाली चीज खा लेगा वो, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कैनो सिम्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बीट की इंपॉर्टेंट डिजीज है। वैसे अगर मैं कॉटन की डिजीज की बात करूं, बैक्टीरियल ब्लाइट है, इसी को एंगुलर लीफ स्पॉट बोल देते हैं या ब्लैक काम बोल देते हैं। पैथोजन का नाम ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार मालवेसियरम। वेस्कुलर विल्ट है, वो फंगस की वजह से होता है ना, फंगस का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मस स्पेशलिस वास इन्फेक्टम।
ग्रे मिल्ड्यू या दहिया डिजीज है जो रामुलेरिया एरियोला से होता है, एंथ्राक्नोज है जो कोलेटोट्राइकम से होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको याद रखना है कि कोलेटोट्राइकम क्या करता है, एंथ्राक्नोज को कॉज करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है इसमें, ये बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसमें 5 सिम्टम्स मेन आते हैं, कौन कौन से, सिडलिंग ब्लाइट, एंगुलर लीफ स्पॉट, वीन नेक्रोसिस, ब्लैक आर्म, बॉल रॉट। देखो क्या होता है, जब भी आपकी सिडलिंग ब्लाइट होगी तो क्या होता है, जो आपकी छोटी सिडलिंग्स होती हैं उसके ऊपर आपके सर्कुलर लीजन्स या इरेगुलर लीजन्स आ जाएंगे और फाइनली सिडलिंग की नेक्रोसिस हो जाएगी, ब्लाइट हो जाएगी सिडलिंग में, छोटी सिडलिंग में, उसको क्या बोलेंगे, सिडलिंग ब्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एंगुलर लीफ स्पॉट। एंगुलर लीफ स्पॉट में क्या होता है, इस तरह से मेरे पास में अगर कोई पत्ता है लाइक दिस, कोई लीफ है, तो यहाँ पे कुछ वेन्स भी होंगी, तो यहाँ पे जब भी आपके सिम्टम्स आएंगे तो ये वेन और वेनलेट्स क्या करेंगे, इनको रोकेंगी, तो सिम्टम कैसे बनेंगे, पर्टिकुलर एंगल पे बनेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट, कि जब आपकी वेन्स या वेनलेट्स क्या करेंगे, सिम्टम्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम में क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है वेन्स में भी चला जाएगा, वेन्स काली पड़ जाएंगी, डेथ हो जाएगी वेन्स की, उसको हम बोलते हैं वीन नेक्रोसिस या वीन ब्लाइटिंग या ब्लैक वेन सिम्टम। फिर क्या होता है, जो आपकी स्टेम्स हैं या ब्रांचेस हैं, कई बार वो टूट के नीचे गिर जाती हैं प्रीमेच्योरली, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक आर्म सिम्टम, ठीक है। और जब ये बॉल्स को इन्फेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे, बॉल रॉट सिम्टम। तो जितने भी सिम्टम है ये आपके एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के सिम्टम है, या सिडलिंग ब्लाइट जो है, एंगुलर लीफ स्पॉट है, वीन नेक्रोसिस है, ब्लैक आर्म है, ये सारे इसके सिम्टम है। सिम्टम के बेसिस पे कई बार बोल देते हैं कि ब्लैक आर्म डिजीज कौन सी डिजीज है, किसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है, पता होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो देखो, ये जो है, देखो कॉटन में क्या होता है, जो कॉटन होता है उसके बाहर क्या होते हैं, बाल होते हैं ना, तो उसके केस में दो होता है, एक तो आपके फर्ज होते हैं और एक आपके लिंट होते हैं, है ना, बड़े बाल और छोटे बाल कॉटन के बाहर जो हेयर होते हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर कोई पैथोजन ना रहे। तो डीलिंटिंग किसके साथ की जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की जाती है, 100 ml पर kg ऑफ सीड, ठीक है। उसके बाद में सीड्स को ट्रीट किया जाता है, कार्बोक्सिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, या ऑक्सिक और कार्बोक्सिन के साथ, है ना, विटावेक्स या प्लांटवेक्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं, या स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेजर क्या है, मैनेजमेंट है। अब आते हैं एक और डिजीज कॉटन की, दैट इज कॉटन लीफ कर्ल वायरस। वैसे मैं इसका वेक्टर बता चुकी हूँ, बट आपको याद रखना है कि वायरल डिजीज में वेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो वेक्टर है वो आपका व्हाइट फ्लाई है, है ना, व्हाइट फ्लाई का नाम क्या है, बेमेसिया टेबिसाई। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रे मिल्ड्यू की, कॉटन का ही आपका इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो ग्रे मिल्ड्यू में क्या होता है आपके, देखो कि मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है, कि किसी तरह का कोई ग्रोथ होगा प्लांट के सरफेस पे, है ना। तो मिल्ड्यू में क्या होता है, ग्रे मिल्ड्यू में ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में अगर हम मैं बात करूं तो दो आपको वैरायटीज याद रखनी है, रेजिस्टेंट वैरायटीज इसके केस में, दैट इज सुजाता एंड वारालक्ष्मी, ठीक है। ये आपकी कॉटन की इंपॉर्टेंट डिजीज थी। नेक्स्ट अगर मैं क्रॉप की बात करूं तो नेक्स्ट क्रॉप हमारे पास में जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, दैट इज ग्राउंडनट। फर्स्ट क्वेश्चन ही ग्राउंडनट से क्या होता है कि टिक्का डिजीज किसकी डिजीज है, या ग्राउंडनट की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज क्या है, या टिक्का डिजीज किससे होती है, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जैसे फंगस जो डिजीज है, दैट इज टिक्का डिजीज, फंगल डिजीज है, ठीक है। ये जो आपकी टिक्का है दो टाइप का है, एक होता है अर्ली लीफ स्पॉट जिसको हमने अर्ली टिक्का बोला, एक होता है लेट लीफ स्पॉट जिसको हमने लेट टिक्का बोला। अर्ली वाला सीजन में जल्दी आता है और लेट टिक्का स्पॉट सीजन में बाद में आएगा, ठीक है। तो देखो अर्ली और लेट में क्या डिफरेंस होता है, अर्ली स्पॉट सीजन में जल्दी आता है, लेट वाला लेट आता है, तो 6 to 8 weeks के प्लांट में आएगा यूजुअली। कई बार यहां पे पूछते हैं कि स्टेज कौन सी है, उस स्टेज को बोलते हैं पैगिंग, PEGGING, पैगिंग स्टेज पे आता है।
शेप ऑफ स्पॉट्स की बात करें तो सर्कुलर से इरेगुलर स्पॉट्स बनते हैं, जबकि इसमें यूजुअली सर्कुलर स्पॉट्स बनते हैं। अर्ली स्पॉट के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपर सरफेस पे होंगे और रैंडम होंगे, जबकि लोअर में कैसे बनते हैं, कॉमन सेंटर जिसका होता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में सिम्टम बनते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है इसके बीच में। स्पॉट्स के कलर की बात करें तो अपर वाले पे लाइट ब्राउन यूजुअली इसमें सिम्टम्स मिलते हैं, जबकि लेट वाले में जो यूजुअल सिम्टम होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। पैथोजन पे आते हैं। पैथोजन क्या है इसमें, सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। कोला से याद रखना कल आएगा, मतलब कि अर्ली है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, पर्सोनेटा मतलब परसों, वो लेट आएगा। ठीक है, तो कोला मीन्स कल, जो जल्दी आएगा दैट इज अर्ली स्पॉट, जो लेट वाला है दैट इज पर्सोनेटम, ऐसे याद रखेंगे। स्पॉटेड विल्ट या बड नेक्रोसिस, ये वायरल डिजीज है और किससे होती है, टोमेटोड स्पॉटेड विल्ट वायरस से होती है ना, जो टॉस्पो को बिलोंग करता है। तो ये जो आपकी डिजीज है बड नेक्रोसिस, इसका वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बड नेक्रोसिस का जो वेक्टर है वो कौन है हमारे पास में, अभी बताया था कि थ्रिप्स है ना, हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि कुछ में हमारे वेक्टर्स अलग होते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है ग्राउंडनट की दो डिजीज। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो जो आपकी टिक्का डिजीज थी, टिक्का डिजीज में हम रेजिस्टेंट वैराइटीज लगाते हैं, जैसे कि वेमना है, नवीन है, तिरुपति 3 है, ये सारी रेजिस्टेंट वैराइटीज हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने बोला कि इसके केस में सी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, राइट। उसके बाद में एक और डिजीज है ग्राउंडनट में, दैट इज ग्राउंडनट रोसेट। तो क्या बोला था, वेक्टर याद रखने हैं, तो इसके केस में वेक्टर कौन है, एफिड, और नाम क्या इसका, एफिस क्रेसिवोरा, राइट। यहां तक समझ में आया, तो देखो हमने राइस डिस्कस कर लिया, वीट हमने डिस्कस कर लिया, हमने कॉटन डिस्कस कर लिया, हमने ग्राउंडनट डिस्कस कर लिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से बनते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए यहां तक, है ना। छोटे से ही सेशन में कितनी सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली, तो इनको याद रखना है। चलें आगे मूव करें। नेक्स्ट इज डिजीजेस ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन में सबसे कॉमन क्वेश्चन दैट इज रेड रॉट, सबसे कॉमन कि ये डिजीज किस क्रॉप में आती है, ये किसकी इंपॉर्टेंट डिजीज है, या शुगर केन की इंपॉर्टेंट डिजीज बताओ। ग्राउंडनट में टिक्का बता दी, और यहां पर हमारे पास कौन सी आ जाएगी, शुगर केन में रेड डॉट आ जाएगी, कॉटन में एंगुलर लीफ स्पॉट आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये फंगल डिजीज है, किससे होती है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होती है, या फिर एक और नाम है दैट इज ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस। सेकंड इज कॉमन स्मट, फंगल डिजीज है, किससे होती है, अस्टिलागोसिटामिनिया से होता है। ये जो कॉमन स्मट है इसी को हम क्या बोलते हैं, विप स्मट। कॉमन स्मट ऑफ शुगर केन इज ऑल्सो नोन एज विप स्मट। एक क्लोरोटिक टाइप के सिम्टम आते हैं, वो कौन सी डिजीज में आते हैं, पोका बोइंग डिजीज में। इसी के केस में एक डिजीज ऐसी है जिसमें फील्ड से हमें गंदी स्मेल आती है, या सौर या फिर आपके पाइनएप्पल की तरह स्मेल आती है, उस डिजीज को हम बोलते हैं पाइनएप्पल सेट्रॉट, है ना। ये किससे होता है, सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा से होता है। ये जितनी भी डिजीज हमारे पास हैं ये सारी की सारी आपकी फंगल डिजीज है। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास क्या है, लिप्सोनिया जाइलाइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया, जो क्या कॉज करता है, रेटून स्टंटिंग कॉज करता है। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, रेटून स्टंटिंग कॉज करता है। रेटून क्रॉप कौन सी होती है आपको पता है ना। पहले ये जो लिप्सोनिया जाइलाई है इसको पहले बोलते थे क्लेविबैक्टर जाइलाई। ठीक है, लिप्सोनिया का ही पहले नाम क्या था, क्लेविबैक्टर जाइलाई। नेक्स्ट इज डाउनी मिल्ड्यूज की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो शुगर केन में बहुत सारे डाउनी मिल्ड्यूज आते हैं। अगर हम मेनली बात करें शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू की, अगर हम बात करें तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू है इसमें भी आता है, मेज में भी आता है। शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू का नाम है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकरी। ठीक है,
तो ये जो आपका शुगर केन वाला है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ शुगर केन में आता है, ये मेज में भी आता है। मेज में बहुत सारे डाउनी मिल्ड्यूज आते हैं, उसमें से शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू एक है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मट, अस्टिरागो सिटामिनिया। अभी हमने बोला कि विप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसमें क्या है, 25 टू 150 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रक्चर बनता है, ग्रोइंग पॉइंट से बनेगा, और वो कवर्ड होगा ब्लैक पाउडरी मास के साथ, उसको हम बोल देते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज देखें तो आप देख सकते हैं, नाम दिए गए हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट की बात करूं तो देखो, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एएसटी एरेटेड स्टीम थेरेपी यूज कर सकते हैं, है ना। शुगर केन रेटून स्टंटिंग की बात करूं, रेटून क्रॉप पे ज्यादा आता है और सीड केन्स पे ज्यादा आता है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो आपका जिस भी केन को आप यूज करो उसको ट्रीटेड केन होना चाहिए, रिलायबल सोर्स से होना चाहिए वो। नेक्स्ट इज ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन। ये जो डिजीज है ग्रासी शूट, इसका नाम क्यों रखा है, बिकॉज इस डिजीज में बेसिकली क्या होता है कि जो शुगर केन है उसकी जो आपकी लीव्स हैं वो ग्रासी हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि बहुत ही पतले पतले घास जैसे पेरेनियल ग्रास होती है ना, वैसी बन जाती हैं, रिड्यूस्ड हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन है। फाइटोप्लाज्मा से होती है ये डिजीज, है ना। इसका जो वेक्टर है कई जगह पे एफिड्स दिया होता है, और इसके अलावा ये फाइटोप्लाज्मा से होता है इसीलिए इसका वेक्टर ब्राउन प्लांट हॉपर भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें मेज की डिजीज की, तो मेज की डिजीज में आप देखिए हमारे पास में बैक्टीरियल स्टॉक रॉट, चारकोल रॉट, मिल्ड्यूज। सबसे पहले तो बैक्टीरियल स्टॉक रॉट किससे होता है, अरबीनिया केरोटोवोरा से होता है, जो एक बैक्टीरिया है ना, स्टॉक पोर्शन पे रॉटिंग कॉज करता है। चारकोल रॉट आपका मैक्रोफॉर्मिना फेजोलिना से होता है, ये फंगल डिजीज है। ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, यह आपका एक टाइप का मिल्ड्यू है जो मेज में आता है। क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू, ये भी आपका मेज में आता है, ये भी आपकी कैसी है, फंगल डिजीज है। सबसे पहले चारकोल रॉट की अगर मैं बात करूं, मैक्रोफोमिना फेजोलिना से ये होता है ना। चारकोल रॉट आपका मोस्टली बेसिकली क्या होता है, पोस्ट फ्लारिंग आता है ना, इसीलिए इसको हम पोस्ट फ्लारिंग स्टॉक रॉट भी बोल देते हैं चारकोल रॉट को। बेसिकली इसके केस में क्या होता है, देखो जो पिथ होता है या जो वेस्कुलर बंडल होता है वहां पे आपको ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, पूरा पिथ ब्लैक हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल्स ब्लैक हो जाएंगे, वहां से क्या नाम रखा, चारकोल। और ये जो आपकी डिजीज है ये आपकी हाई टेम्परेचर पे आएगी और लो सॉइल मॉइस्चर पे आएगी, मतलब वो इसको फेवर करता है, दैट मीन्स हमारा जो मैनेजमेंट है वो यहीं पे छिपा है कहीं पे। मेन सिम्टम या कॉमन फीचर्स की बात करूं तो रूट बार्क श्रेड हो जाती है ना, टूट जाती है, और रूट सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अगर ये डिजीज देखो अब हाई टेम्परेचर पे आ रही है और लो सॉइल मॉइस्चर पे आ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुड वाटर मैनेजमेंट या इरिगेशन, स्पेशली एट द फ्लावरिंग स्टेज, क्योंकि इसको हम क्या बोले, पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट, चारकोल रॉट है ना। तो हमें मेनली क्या करना है, पानी की मैनेजमेंट देखनी है। दूसरा क्रॉप रोटेशन, बट देखो इसके स्क्लेरोशिया बहुत टाइम तक सॉइल में सर्वाइव करते हैं, अप टू मेनी ईयर्स, है ना। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन करनी है, ऐसा नहीं एक साल की रोटेशन कर ली, अप टू 10 years 20 years लॉन्ग क्रॉप रोटेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, एक तो गुड वाटर मैनेजमेंट और दूसरा लॉन्ग क्रॉप रोटेशन। अब आते हैं मिल्ड्यूज पे, तो सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यूज की अगर हम बात करें किससे होता है, मेज में आएगा, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाय से होता है। शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकरी से होता है, अभी बताया था शुगर केन में भी आता है और मेज में भी आता है, ठीक है, ये चीज भूलनी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले शुगर केन में डिस्कवर हुआ था इसलिए नाम क्या रख दिया, शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट इज ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोथोरा रेसिएई। नेक्स्ट इज क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोथोरा मैक्रोस्पोरा, ठीक है। तो ये आपके मेजर फील्ड क्रॉप की डिजीज थी, अब कुछ आपको मैं फ्रूट क्रॉप्स की मेजर डिजीज बता देती हूँ। सबसे पहले है देखो फंगल डिजीज, मैंगो में जो आपकी सबसे कॉमन डिजीज जो पूछी जाती है दैट इज मैंगो मालफॉर्मेशन, ठीक है। एंथ्राक्नोज किससे होता है,
फंगस क्लेटोट्राइकम से, पाउडरी मिल्ड्यू ओइडियम टेंजिटिनम, मैंगो मालफॉर्मेशन, कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें टेम्परेचर का तो रोल है ही साथ में फंगस का भी रोल है, तो किसमें है? फ्यूजेरियम की डिजीज कौन सी है इसमें? मैंगो मालफॉर्मेशन। पैथोजन का नाम है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मे वार सबग्लूटिना। ग्रे ब्लाइट का पैथोजन क्या है? पेस्टिलोशिया मेंजिफेरे। सूटी मोल्ड का पैथोजन क्या है? कैप्नोडियम मेंजिफेरे। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं। देखो सबसे पहले एंथ्रेक्नोज किससे हुआ? कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन की, तो तीन मेन सिम्टम होते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन में। फर्स्ट इज बंची टॉप, देन फ्लोरल मालफॉर्मेशन, देन वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। ये जो बंची टॉप है ये छोटे प्लांट्स में आएगा, है ना, गुच्छे जैसे बन जाएंगे टॉप पे, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? बंची टॉप फेज। जब आपके पैनिकल्स पे आएगा, ठीक है, मालफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरल मालफॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, पूरे के पूरे पैनिकल्स आपके ड्राई कर जाते हैं, ब्लैक मास देखने को मिलता है। और एक है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, जिसमें जो ब्रांचेस है वेजिटेटिव ब्रांचेस, वहां पे मालफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? NAA यूज करते हैं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड यूज करते हैं। कितना? 100 to 200 ppm, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके ट्रीज हैं वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? पोटेशियम मेटा बायसल्फाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है, KMS यूज कर सकते हैं इसके केस में, राइट। सूटी मोल्ड, सूटी मोल्ड किससे होता है? कैप्नोडियम मेंजिफेरे से होता है। तो सूटी मोल्ड वैसे तो पैरासिटिक नहीं है, बट जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इंसेक्ट्स आपके कुछ शुगरी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, जैसे हनीड्यू को सिक्रीट करेगा, जैसे एफिड्स हो गए, व्हाइट फ्लाइज हो गई, है ना। तो क्या होता है, ये जो फंगस है वो शुगरी सब्सटेंस के लिए आता है, बट अल्टीमेटली ये क्या किया इसने? प्लांट की सरफेस को कवर कर दिया, है ना, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम होगी, अदरवाइज पैरासिटिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इस लेयर को हम, ये जो फंगस की लेयर है इसको वहां से हटा सकें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन कैसे यूज करते हैं? मैदा लेंगे और 5 liters ऑफ पानी में डिसॉल्व करेंगे, बॉईल करेंगे उसको, और 20 liters में फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे। जब आप स्प्रे करोगे स्टार्च, ये क्या करेगा, सूख जाएगा और स्टार्च फ्लेक्स, फ्लेक्स समझते हो, पतली सी परत की फॉर्म में उड़ जाएगा वहां से, है ना। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है स्टार्च सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए, सूटी मोल्ड के लिए यूज किया जाता है। बनाना की डिजीज की बात करें, सबसे कॉमन डिजीज क्या है? पनामा, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है पनामा डिजीज किसकी है, इसको हम कोविड ऑफ बनाना भी बोल देते हैं, ठीक है। मोकोविल्ट, सिगाटोका, ये सारी ही इंपॉर्टेंट डिजीज है बनाना की। बंची टॉप, इसका वेक्टर पूछ लिया जाता है, वायरस, वायरल डिजीज है। पनामा डिजीज आपकी फंगल विल्ट है, ये याद रखना। मोकोविल्ट आपकी बैक्टीरियल विल्ट है। ये जो आपके पनामा विल्ट है इसमें क्या होता है, आपने याद रखना है, पोस्ट ऑफिस, मतलब कि पनामा विल्ट में क्या होता है, PO, ओल्डर लीव्स में येलोइंग होती है। और मोको में याद रखना है माय, मोको विल्ट में क्या होता है, यंगर लीव्स में येलोइंग होती है, ठीक है। पनामा में ओल्डर लीव्स में येलोइंग और मोको विल्ट में यंगर लीव्स में येलोइंग होती है, ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। और पैथोजेंस के नाम याद रखना, ठीक है, सिगाटोका का पैथोजन याद रखना, सर्कोस्पोरा म्यूजे। बंची टॉप डिजीज का जो बेसिकली कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है, तो यहां पे क्या याद रखना है आपने, वेक्टर याद रखना है। तो बंची टॉप का वेक्टर क्या है? बनाना एफिड। नाम क्या है? पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा, पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा। पनामा विल्ट, मोको विल्ट, ये मैंने आपको बता दिया, मेन सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए क्या याद रखने हैं, सिगाटोका का नाम याद रखना है, है ना। मैनेजमेंट की बात करें तो सिगाटोका में क्या यूज करते हैं हम, बॉर्डेक्स मिक्सचर 1% और लिंसीड ऑयल 2% को यूज किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बनाना में। ग्रेप्स की बात करें, पाउडरी मिल्ड्यू अंसिनुला नेकेटर से होता है, फंगस है,
डाउनी मिल्ड्यू भी प्लाज्मोफेरा विटिकोला से होता है, फंगस है। फैन लीफ वायरल डिजीज है। लिटिल लीफ इसमें भी, ग्रेप्स में भी और आपका ब्रिंजल में भी फाइटोप्लाज्मा से होता है। ग्रेप्स के डाउनी मिल्ड्यू में याद रखना प्लाज्मोफेरा वेटिकोला से होता है, और इसके लिए हमारे पास बॉर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर हुआ था, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए। और ये जो आपका बॉर्डेक्स मिक्सचर है, ये पीएमए मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वॉटर, ठीक है, राइट। सिट्रस की बात करें, सिट्रस के डिजीज में एक तो गमोसिस है, फाइटोथोरा, सिट्रोथोरा। आपको याद रखना है कि जब डैम्पिंग ऑफ की हम बात करते हैं ना, तो डैम्पिंग ऑफ आता है छोटे प्लांट्स में, ठीक है। फुट रॉट की बात करोगे तो बड़े प्लांट्स में आएगा, ठीक है। पैथोजन क्या है, जैसे फाइटोथोरा हो गया आपके पास में, पीथियम हो गया। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें, ओइडियम टिंजिटेरिनम से होता है। स्कैब की बात करें, एल्सिनोए फासेटी से होता है। ये सारे क्या है, फंगस है। कैंकर किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, पैथोवार सिट्री। ट्रिस्टेजा या क्विक डिक्लाइन वायरल डिजीज है। एक्सोकॉर्टिस वायरोइड से होता है, ठीक है। ग्रीनिंग सिट्रस लिब्रोबैक्टर से होती है। तो ये सारे पैथोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सिट्रस की डिजीज इंपॉर्टेंट है ही है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो सिट्रस गमोसिस जो है, गमोसिस में क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ, इसको हम बेसिकली बोल देते हैं एक्सुडेशन, तो सिक्रेशन ऑफ गम होता है। अगर फुट पोर्शन पर अटैक कर रहा है, रॉटिंग एट द फुट पोर्शन हो रहा है, तो फुट रॉट बोल देंगे। पत्ते गिर रहे हैं इसीलिए क्या बोल देंगे, लीफ फॉल बोल देंगे, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी क्रैकिंग ऑफ द बार्क हो जाती है और गमिंग हो जाती है, कि गम निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पैथोजन की, तो पैथोजन हमने बोल दिया फाइटोप्थोरा है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आप एक बार पढ़ सकते हैं, कि मैनेजमेंट के केस में हम सॉइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फोलियर स्प्रे कर सकते हैं इसके केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजीज की बात करें, दैट इज कैंकर। कैंकर के जो सिम्टम्स होते हैं, देखो लीव्स पे भी आते हैं, स्टेम पे भी आते हैं, फ्रूट्स पे भी आते हैं। जब इसके सिम्टम लीव्स पे आते हैं कैंकर के, तो लीव्स के केस में रेज्ड सिम्टम्स आएंगे, है ना। शुरू में स्मॉल होंगे, राउंड होंगे, बाद में रेज सिम्टम्स हो जाते हैं, ठीक है। और लीव्स के केस में येलो हालो बनता है, बट फ्रूट्स के केस में येलो हालो नहीं बनता है। और शुरू में स्मूथ होता है इसका सेंटर, और विद टाइम क्या हो जाता है, इसके सिम्टम्स रफ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे सिम्टम्स लीव्स पे भी है, ट्विग्स पे भी है, फ्रूट्स पे भी है, और जो येलो हालो है वो आपका लीव्स में बनता है, ठीक है। ट्रिस्टेजा की बात करें, ट्रिस्टेजा जो है इसमें तीन मेन सिम्टम है, क्विक डिक्लाइन, स्टेम बिटिंग एंड सिडलिंग येलोस। वेक्टर याद रखना है, वेक्टर कौन है इसका, सिट्रस ब्राउन एफिड, सिट्रस ब्राउन एफिड। सिट्रस ब्राउन एफिड का नाम है टॉक्सोटेरा सिट्रिसिडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक्सोकॉर्टिस की बात करें, तो एक्सोकॉर्टिस के केस में क्या होता है, ये सिर्फ रंगपुर लाइन को, ट्राइफोलिएट ऑरेंज को और सिट्रेंच रूट स्टॉक्स को अफेक्ट करता है। इसी को हम स्केली बट भी बोल देते हैं। अब ये जो आपका ट्राइफोलिएट ऑरेंज है, अगर ये इसको अफेक्ट करता है और उसको रूट स्टॉक की फॉर्म में आप यूज करते हो, तो ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, पुअर ग्रोथ हो जाती है। और जो आपकी यहाँ पे रूट्स हैं वो स्केली हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्केली बट डिजीज बोल देते हैं। मेन सिम्टम की बात करें, वर्टिकल क्रैकिंग एंड स्केलिंग, तो वर्टिकल क्रैकिंग एंड स्केलिंग ऑफ बार्क जो है इसका मेन सिम्टम है। ट्रांसमिशन की बात करें, तो ना तो ये आपकी, अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, तो या ना तो इसमें कोई वेक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्वॉल्व्ड है, ना तो सीड के थ्रू। मेन इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इन्फेक्टेड बडवुड के थ्रू होगा, या टूल्स के थ्रू होगा, या फिर डॉडर कसकटा के थ्रू होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है जिसमें डॉडर इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांसमिशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर।
ग्रीनिंग की बात करें तो ग्रीनिंग में देखो बेसिकली क्या होता है, ग्रीनिंग में येलोज टाइप ऑफ सिम्टम्स बनते हैं, ठीक है। इसमें एक मेन चीज है कि जो क्लोरोसिस होती है वो जिंक की डेफिशिएंसी को रिजेंबल करती है, ठीक है। लीफ क्लोरोसिस जो है वो किसको रिजेंबल करती है, जिंक की डेफिशिएंसी को, ठीक है। और इसके केस में क्या होता है, जो लीव्स हैं वो आपके नॉर्मल से थिक दिखाई देंगी, इस तरह से सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिट्रस ग्रीनिंग के सिम्टम्स इस तरह के होते हैं, राइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पपाया की बात करूं, देखो पपाया के केस में डैम्पिंग ऑफ आता है वो पीथियम से आता है या फाइटोपथोरा से आता है। पपाया के केस में वायरल डिजीज है, उनके वेक्टर बता देती हूँ क्योंकि यूजुअली वही पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज पपाया रिंग स्पॉट। पपाया रिंग स्पॉट का जो आपका वेक्टर है दैट इज एफिड्स, ठीक है। रिंग स्पॉट पपाया को क्यों बोलते हैं इसमें डिजीज को, क्योंकि इसमें इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इस फॉर्म में आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलेगा। सी शेप्ड मार्किंग्स देखने को मिलती हैं, डार्क ग्रीन कलर की मार्किंग्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पपाया रिंग स्पॉट डिजीज में वायरल डिजीज है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया अगेन वायरल डिजीज है। इसके केस में जो मेन वेक्टर है दैट इज व्हाइट फ्लाई, बट आपके नॉलेज के लिए ग्राफ्टिंग से भी ट्रांसमिट होता है, बट मेन वेक्टर हमेशा व्हाइट फ्लाई रहेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पपाया मोज़ेक डिजीज, अगेन ये वाली डिजीज भी आपकी कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज में क्या याद रख रहे हैं हम, वेक्टर। तो इसके केस में भी जो वेक्टर है वो कौन है, एफिड इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो जो आपने लिस्ट बनाई है किसी भी वेक्टर की या किसी भी वायरल डिजीज की, वो आपने याद रखनी है इस केस में कि कौन सी डिजीज में कौन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पोमेग्रेनेट्स में अलग अलग लीफ स्पॉट्स हैं, वो हमें याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पोटैटो की, है ना। पोटैटो में आपकी जो डिजीज है दैट इज पोटैटो लीफ ब्लाइट एंड अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट एंड अर्ली ब्लाइट। लेट ब्लाइट किससे होता है आपका, है ना, और अर्ली ब्लाइट किससे होता है। लेट ब्लाइट के लिए हमने अभी पढ़ा फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट के लिए हमारे पास है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। लीफ कर्ल ऑफ अगर हम पोटैटो की बात करें तो उसमें व्हाइट फ्लाइज हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन में। ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। फ्रूट क्रैकिंग बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। ब्रिंजल में हमारे पास है फोमोप्सिस डाइट या फ्रूट रॉट, फोमोप्सिस वैक्सन से होता है। लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल फाइटोप्लाज्मा से होता है ना। क्रूसीफर्स में व्हाइट ब्लिस्टर है जो एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर है जो बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। तो डेफिशिएंसी में क्या होता है, जिस चीज की कमी होती है उसको सप्लाई कर दो। तो इसके केस में क्या होता है, ब्राउन कर्ड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बोरोन को अप्लाई करते हैं बोरेक्स की फॉर्म में। विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर मॉलिबिडनम की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो मॉलिबिडनम की डेफिशिएंसी अगर है तो हम क्या करेंगे, मॉलिब्डेट की फॉर्म में सप्लाई कर देंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम मॉलिब्डेट डाल दिया, सोडियम मॉलिब्डेट डाल दिया। क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, जिसको हम बोलते हैं फिंगर एंड टो डिजीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो फिंगर एंड टो की तरह हो जाती है कि हाइपरट्रॉफिया एंड हाइपरप्लेजिया के सिम्टम डिस्प्ले करती है ना। तो यहां पे क्या होता है, हमारे पास में क्लब शेप्ड रूट्स बन जाती हैं, राइट। चलिए, ये हमने डिस्कस की इंपॉर्टेंट डिजीज, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड अप्लाइड पार्ट। अब कुछ इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो आपको बता देती हूँ, ताकि आपको चीजें याद रहें और इजी हो जाए, ठीक है। चलो, फर्स्ट इज हाइपरप्लेजिया एंड सेकेंड इज हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया मीन्स एक्सेसिव सेल डिविजन, ठीक है। हाइपरट्रोफी मीन्स एक्सेसिव सेल एनलार्जमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपके लीफ कर्ल हैं, गॉल है, विच इज ब्रूम सिम्टम है,
सब में आपके हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी पाया जाता है। एग्जाम्पल डिजीज का भी बताया, क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स, ठीक है। सेकेंड, अगर हम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की बात करें जो गॉल फॉर्मेशन करता है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेशियंस, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेशियंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल स्कैब। तो एप्पल स्कैब का पैथोजन हमारे पास में है वेंचुरिया इनिक्वालिस, वेंचुरिया इनिक्वालिस। पाउडरी मिल्ड्यू के केस में हम सल्फर यूज करते हैं मोस्टली, और सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, डीनो कैप, ठीक है। माइट्स के केस में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन सल्फर ही यूज करते हैं, ओके। डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू के केस में हम यूज करते हैं रिडोमिल एमजेड, है ना, मेटालेक्सिल एंड मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है, एप्रिन के नाम से भी आता है। नेक्स्ट, रस्ट एंड स्मट। स्मट के केस में मोस्टली यूज वीटावैक्स, रस्ट के केस में प्लांट वैक्स भी यूज होता है, वीटावैक्स भी यूज होता है ना, पर स्मट में मोस्टली वीटावैक्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके ट्राइजोल्स हैं, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, वो भी यूज होता है। पाउडरी मिल्ड्यू के अगर हम ऑर्डर की बात करें और डाउनी मिल्ड्यू के ऑर्डर की बात करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू का ऑर्डर है एरी सिफेज, डाउनी मिल्ड्यू का ऑर्डर है पेरोनो स्पोरेल्स, रस्ट का ऑर्डर है यूरी डिनेल्स, स्मट का ऑर्डर है अस्टी लेजिनेल्स, ठीक है। स्मट का ऑर्डर है अस्टी लेजिनेल्स। राइट, नेक्स्ट, अगर हमें लूज मट बोला तो लूज मट और वीट में क्या यूज करोगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीड ट्रीटमेंट किसके साथ करोगे, वीटावैक्स के साथ, ठीक है। अगर बोला राइस ब्लास्ट में क्या यूज करना है तो क्या यूज करोगे, सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में, ठीक है। अगर बोला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस तो उसके केस में क्या यूज करोगे, जिंक सल्फेट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगर हमें बोला कि मैंगो मालफॉर्मेशन, तो मैंगो मालफॉर्मेशन के केस में क्या यूज करोगे, NAA 100 to 200 ppm। अगर बोला सूटी मोल्ड, तो सूटी मोल्ड के केस में क्या करोगे, स्टार सॉल्यूशन। अगर बोला किसी बैक्टीरियल डिजीज का मैनेजमेंट तो क्या यूज करोगे, एंटीबायोटिक्स, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, है ना, और कॉपर की स्प्रेस। अगर बोला कि वायरल डिजीज का मैनेजमेंट करना है तो क्या करेंगे, एक तो उसके वेक्टर का कंट्रोल करेंगे, दूसरा रोगिंग कर देते हैं कि प्लांट, एक बार पता है सिस्टेमिक डिजीज है आ गया तो पूरे प्लांट में जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं उसके केस में, रोगिंग कर देते हैं। अगर बोला कि एंथ्राक्नोज को कैसे मैनेज करना है, तो एंथ्राक्नोज के केस में मैंकोजेब भी यूज होता है और
कार्बेंडाजिम भी यूज किया जाता है, ये प्री हार्वेस्ट डिजीज भी है, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज भी है, कि हार्वेस्ट करने के बाद भी इसके सिम्टम्स आते हैं और इन्फेक्शन इसका पेड़ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, राइट। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स लर्न कर लिए जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें बोला कि वेक्टर बताओ कौन सी डिजीज का वेक्टर कौन है, तो मेन वेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, लिस्ट बना लेनी है या फिर जो आपने ऑलरेडी लिस्ट बनाई होगी उन वेक्टर्स को आपने बहुत अच्छे से कवर कर लेना और बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर हमें बोला कि फाइटोप्लाज्मा डिजीज है कोई, उसके केस में क्या यूज करोगे, टेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे। किस फॉर्म में, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के फॉर्म में। पेनिसिलिन नहीं यूज करना है, क्योंकि ये जो आपके स्पाइरोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, ये आपके पेनिसिलिन के लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन के लिए बेसिकली क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, बेसिक की पॉइंट्स पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स में भी अगर आपको सिम्टम्स क्लियर है कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, डाउनी मिल्ड्यू क्या है, रस्ट क्या है, स्मट क्या है, तो आपकी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, राइट। क्योंकि जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे आपको अगर बेसिक समझ आएगा तो पता चल जाएगा किस सिम्टम की बात करें, फिर बस आइडेंटिफाई करनी है कि डिजीज कौन सी है, है ना। एक और चीज, जो व्हाइट ब्लिस्टर है उसको हम ट्रू रस्ट नहीं बोलते, व्हाइट रस्ट बोल देते हैं, पर ये ट्रू रस्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका पेरनोस्पोरियल्स को बिलोंग करता है, ठीक है, एल्बुगिनेल्स को बिलोंग करता है, बट जो आपका ट्रू रस्ट है उसका ऑर्डर क्या था, यूरिडिनेल्स। ठीक है, तो ये की पॉइंट आपको एक तो पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, और कुछ मैनेजमेंट्स जो हमने पढ़ी वो पता होनी चाहिए कि फंगल डिजीज है तो क्या करेंगे। सी ट्रीटमेंट के केस में, सी ट्रीटमेंट आपका कार्बेंडाजिम से भी होता है, ठीक है, केप्टान से भी होता है, थेरम से भी होता है, बेविस्टिन जो कार्बेंडाजिम है उसको भी हम यूज कर सकते हैं सी ट्रीटमेंट के लिए। ड्राई सी ट्रीटमेंट भी होता है, वेट सी ट्रीटमेंट भी होता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, जो आपका अगर हम बात करें बेनिफिशियल है हमारे लिए, या फिर बेसिलस सबटिलिस, उसको भी हम बायो कंट्रोल में यूज करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और एक आपका बेसिलस सबटिलिस, ये भी पता होना चाहिए। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कुछ पिछले सेशन में, कुछ इस सेशन में, और अब इससे रिलेटेड जितना भी कुछ होगा वो आपने अटेम्प्ट कर लेना है, जितने भी साइंटिफिक नियम है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, आराम से रिवीजन दे लेना है, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सब अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से रिवाइज करके जाना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।